नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, केतु विशेषांक सीरीज में आज बात करने वाले हैं कि यदि किसी जातक या जातिका अर्थात कि किसी स्त्री या पुरुष के जन्म कुंडली में केतु लग्न कुंडली से 12वें भाव में स्थित हो बैठे हो तो उस स्त्री या पुरुष के जीवन में क्या कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव, अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ ही केतु विशेषांक सीरीज अब लगभग समाप्त इस वीडियो के साथ में हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे पूर्व के 11 वीडियो में अलग अलग 11 भावों में प्रथम भाव से लेके 11 भावों में अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएं कि केतु अलग अलग भावों में बैठकर क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में देगा। तो पहले शुक्र की पूरी सीरीज हुई थी, उसके बाद राहु की, फिर शनि की, और अब केतु की भी पूरी सीरीज आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा हो जाएगा। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यदि शुक्र, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई भी ग्रह आपके किसी भी भाव में बैठे हैं तो आप यूट्यूब पर कुंडली दर्शन के प्लेलिस्ट में जाके अपने अपने भाव के अनुसार ग्रहों के परिणाम देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी आप इस पेज को फॉलो अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, द्वादश भाव और केतु अपने आप में एक, आप ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची अर्थ है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि द्वादश भाव लग्न कुंडली में लग्न से यदि किसी चीज की शुरुआत है, पहले भाव से शुरुआत है, तो द्वादश भाव में जाके कुंडली समाप्त हो जाती है। जहां लग्न से सिर का विचार करते हैं तो द्वादश भाव से पैर का विचार करते हैं। जहां लग्न से जीवन का विचार करते हैं तो वहीं द्वादश मृत्यु का भी सूचक है। द्वादश मोक्ष के परम भाव माने गए। मृत्यु तो इस सृष्टि में जो भी जन्म लिया है उसका होना निश्चित है, किंतु जो इस चर चराचर जगत को जो भी मोह माया लाभ हानि क्रोध मद मोह जस अपजस स्वार्थ पद की लालच धन की लालच अनेक प्रकार की अपनी कामनाओं पर अपनी ज्ञान इंद्रियों पर काबू पा लेता है और अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सनातन धर्म का फिलोसफी यही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट हमारे सनातन संस्कृति में आम लोगों के लिए है ही नहीं। हम लोग रिसाइकिल वाले, एक जन्म में कर्म करेंगे, अगर सही कर्म नहीं हुए तो फिर अगले जन्म लेंगे, फिर उसके बाद आगे जन्म कंटिन्यूसली चलता रहेगा। किंतु जब इन सभी काम क्रोध लोभ माया मद सभी प्रकार की अतृप्त इच्छाओं से खुद को परे कर लेंगे तो हम प्रभु श्री हरि के चरणों में विलीन हो जाएंगे, जो हर सनातनी की इच्छा होती है, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति भी जन्म कुंडली के द्वादश भाव से ही विचार किया जाता है और केतु मोक्ष के प्रमुख कारक ग्रह हैं। ऐसे में केतु यदि द्वादश भाव में बैठते हैं तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति को क्या कुछ प्रभाव देगा, डिटेल से आप लोगों को आज समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सब व्यक्ति सिर्फ मोक्ष पाने के लिए तो लालायित नहीं होंगे, यह भी मुझे पता है। भौतिक जीवन में, भौतिक सुख सुविधाओं में क्या असर देगा, इस कार्यक्रम में आप ये भी जानेंगे।
तो कई लोग बोलेंगे पंडित जी मुझे मोक्ष क्या क्या करना, जीवन में क्या मिलेगा ये बताओ, मरने के बाद किसने देखा, तो जीवन में क्या कुछ प्रभाव होगा इस पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु आप सभी जानते हैं, पहले जान लेते हैं कि केतु यहां पर लगभग किस किस राशि में अच्छा प्रभाव देता है। एक बात जान ले कि केतु जिस भाव में बैठा है, यानी बारहवें भाव की आज चर्चा कर रहे हैं, तो बारहवें भाव में कौन से नंबर की राशि है, उस राशि के स्वामी की स्थिति क्या है जन्म कुंडली में, वो शुभ है अशुभ है, अस्त है कमजोर है बलवान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युति में बैठा है या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है, इन सभी प्रकार की स्थितियों का आकलन करने के बाद ही केतु की एक्चुअल स्थिति आपको देखना होगा। इस बात को तो गांठ मत कर रखें। इसके अलावा केतु चूंकि एक छाया ग्रह, केतु का अपना कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं, द्वादश भाव में केतु बैठा है। अब प्रायः इस बात को समझ लें कि अगर मान लो अपने उच्च राशि, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि केतु वृश्चिक या धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं, वहीं मीन राशि में भी लगभग केतु का अच्छा प्रभाव माना गया है। वैसे भी बृहस्पति केतु के बहुत अच्छे संबंध है, बृहस्पति को केतु भी अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि वो धर्म के कारक है और केतु मोक्ष के कारक है। शनि के साथ भी केतु का संबंध अच्छा होता है, किंतु कई बार शनि के राशि में जरूरी नहीं है कि अच्छा परिणाम दे, स्थिति पर निर्भर करेगा। इसके अलावा सिंह राशि में भी कई बार, चूंकि सिंह राशि भी इनकी मूल त्रिकोण अवस्था मान ली जाती है, कई जगहों पे वर्णित है, तो कुछ जगहों पे सूर्य की राशि होने के बावजूद भी केतु कई बार अच्छा परिणाम दे जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वृषभ और मिथुन राशि में केतु नीच राशि के माने जाते हैं, तो ज्यादातर जगहों पर यदि कुंडली में और ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो केतु निस्संदेह वहां बुरा प्रभाव ही देता है। इसके अलावा और भी कई राशियां हैं, लेकिन बाकी सब एक्चुअल स्थिति तो कभी आप अपने कुंडली का संपूर्ण कुंडली विश्लेषण कराना, नंबर्स हैं आपके सामने, विस्तार से बताएंगे सभी ग्रहों का, लेकिन आज मुख्यतः जानते हैं केतु का प्रभाव। देखो केतु यदि शुभ अवस्था में बैठा हो और उस पर भी यदि देव गुरु बृहस्पति के साथ युति करके बैठा हो या बृहस्पति की दृष्टि हो, तो समझ लें कि ऐसे जातक धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति अधिक रुचिवान होगा। ऐसे जातक मोक्ष प्राप्त के लिए प्रयास करता है तो निस्संदेह सफल हो सकता है। ऐसे जातक धार्मिक कृत्यों के माध्यम से अपना धन यापन भी करते हैं, समाज में इनका मान सम्मान भी अच्छा होता है। ऐसे जातक विदेश में भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करते हैं, विदेश में भी अपना घर मकान वाहन सब कुछ बना लेते हैं या विदेश के पैसे से अपने जन्म स्थान में भी घर बना लेते हैं। किंतु हाँ, इसके अलावा केतु यदि मान ली शनि के साथ युति करके बैठा और शुभ अवस्था में, तो एक अच्छा वकील एक अच्छा जज बन सकता है। इसके अलावा केतु शुभ हो तो एक अच्छा सैनिक अधिकारी भी बना देगा, एक अच्छा वैज्ञानिक बना देगा, एक अच्छा आपको रिसर्चर बना देगा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी अच्छी कामयाबी दिला देगा। आप सबको एक बात बताएं, केतु जरूर ज्यादातर माना गया है कि केतु द्वादश भाव में यदि बैठा हो और ऐसे जातक को मोक्ष की प्राप्ति ज्यादातर हो जाती है, ऐसा लिखा गया है, लेकिन संभवतः ऐसा जरूरी नहीं। केतु किस अवस्था में बैठा है इसका भी विचार अवश्य करना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके भी जन्म कुंडली में शायद केतु बारहवें भाव में था, लेकिन मृत्यु उनका दुखद हुआ। तो इसके अलावा ब्रूसली जो कराटे का मास्टर माना जाता था, उसकी भी मृत्यु दुखद हुई थी।
तो कई बार भयंकर मौत भी दे देता है। केतु आपको आइसोलेट करता है, अर्थात कि केतु सबसे दूर करवा देगा यदि शुभ हो तो भी कई बार, और अशुभ हो तो भी। अब शुभ हो आइसोलेट तो करवा दिया, आप अपना जैसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, अकेला रहना ऐसे व्यक्ति को बड़ा पसंद आता है, अपने विचारों में मस्त रहते हैं। तो एक बात यह भी तो सत्य है ना कि अकेले में ध्यान अधिक लगता है, ज्ञान अर्जन अधिक हो सकता है, लेकिन अकेले में ही व्यक्ति नकारात्मक विचारों के प्रति भी आकर्षित होता है, अकेले में व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार होता है। अब यहां दोनों बातें आपको एक समक्ष रख रहे हैं, जहां केतु आपको परिवार से दूर करेगा, घर द्वार से दूर करेगा, कई बार समाज से दूर करेगा, हो सकता है बहुत अच्छे इंसान लेकिन ज्यादा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। केतु यदि अच्छा प्रभाव दे तो ऐसे जातक बहुत धैर्यवान होते हैं, तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत कुशल होती है, संवाद बहुत बेहतर होता है, सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, विद्वान होते हैं, कई बार महान विद्वान, कुछ नया खोज के लाते हैं, कुछ नया रिसर्च करते हैं, ईश्वर के प्रति तो जबरदस्त इनकी उपलब्धि होती है। लेकिन केतु यदि अशुभ हो तो एक बात और समझ ले, खास करके मान लो केतु जैसे अगर चंद्रमा से केतु बारहवें भाव में बैठा और चंद्रमा भी मान लो प्रभावित हो, क्योंकि केतु की दृष्टि समझे, केतु बारहवें भाव में बैठा है, केतु को मुख्यतः पांचवा सातवा और नौवा तीन दृष्टियां प्राप्त है, तो अपनी पंचम दृष्टि से जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे, अपने सप्तम दृष्टि से जन्म कुंडली के छठे भाव को देखेंगे और अपने नवम दृष्टि से जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। अब चतुर्थ भाव क्या है? माता का स्थान, मकान का स्थान, वाहन का स्थान, सुख संपत्ति का स्थान। तो यदि केतु अशुभ हुआ तो आपको मेहनत बहुत करेंगे, पैसा रहा लेकिन उस पैसे को खर्च कहीं और करवा देगा, क्योंकि एक्सपेंस का भाव भी बारहवां भाव है, खर्च कहीं और करवा दिया, पैसा आपके पास था, आप सही चीजों में सही जगहों पे पैसे नहीं लगा पाए, घर मकान वाहन आप नहीं लिए, अगर वाहन लिए तो वाहन बाद में बेचना पड़ जाए, घर लेने के लिए पैसा सोच रहे हैं लेकिन घर ले नहीं पा रहे, चंद्रमा प्रभावित है तो माता बहुत, माता से या तो संबंध अच्छे नहीं होंगे, या तो माता का स्वास्थ्य खराब हो, या माता का सुख बहुत कम समय तक प्राप्त होगा क्योंकि केतु की दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव, घर परिवार से आपको बिल्कुल अलग सा करवा देगा, अनेक प्रकार के सुखों से आपको वंचित करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, आय कम और खर्च अधिक करवाएगा, कर्ज लेने पे मजबूर कर देगा, केतु अपनी दशा में क्या करेगा या केतु के दुष्प्रभाव से कई बार क्या होगा कि आप अपना अच्छा खासा काम छोड़ के किसी और के बहकाने पे, किसी और के कहने पे, किसी और काम में भी अपना दिमाग लगा देंगे और दो नाव पे सवारी हमेशा पड़ती है भारी, तो ना इधर के रहे ना उधर के, ना घर के ना घाट के, नुकसान दोनों तरफ से। अब उसको रिकवर करने के लिए फिर से आप अपने पुराने काम में आ रहे हैं लेकिन कर्ज लेना पड़ रहा है, उस कर्ज को मतलब चाहे बेशक केतु की दशा चली गई, शुक्र की दशा आ गई, अच्छी दशा, क्योंकि केतु के बाद शुक्र की ही दशा आती है, लेकिन उसको रिकवर करने में समय लग जाएगा, एक कर्ज को पूरा करने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरा कर्ज को पूरा करने के लिए तीसरा कर्ज, स्थिति इतना कई बार विकट करेगा, अकेले में आप रोएंगे, आपको लगेगा कि इस दुनिया में कोई, हालांकि हिम्मत फिर भी रहेगा लेकिन कभी कभी लगेगा कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं, आप अकेले हैं, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, कभी कभी इस दुनिया में जीने का मन भी नहीं करेगा, स्वास्थ्य संबंधी भी ऐसे व्यक्तियों को कई बार खर्च करवा देता है, कोई छोटी मोटी बीमारी भी परेशान करता है, शत्रु भी षड्यंत्र कर सकते हैं क्योंकि केतु की दृष्टि छठे भाव पे भी जा रही है जो कि रोग ऋण शत्रु और संघर्षों का भाव है, मामा पक्ष से हो सकता है आपके संबंध खराब करवा दे, अगर आप संभल कर नहीं रहे तो कोई विवाद कोर्ट कचहरी तक चला जाए,
कोई अष्टम भाव में भी दृष्टि जा रही है, कोई चोट चपेट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट आदि का खतरा बना हुआ हो सकता है, अचानक से कोई बहुत बड़ा धन का नुकसान हो सकता है। यदि केतु अशुभ रहा तो, हालांकि फिर मैंने बताया, अब देखो केतु द्वादश में है बड़ा अच्छा, अगर आप केतु द्वादश का लाभ लेना चाहते हैं, हालांकि जल्दी ज्यादातर जगहों पे 100 में से 80 से 85% लोगों को केतु द्वादश में भौतिक सुख सुविधाओं में कमी लाता है, इस चीज को मानकर चले, चाहे वो वैसे ज्यादातर किसी राशि में बैठा, 100 में से 80% बोल रहा है, सबको नहीं बोल रहा। अब 20% अर्थात कि केतु की दशा में यदि वो ईश्वर के भक्ति में शक्ति लगा दे, अपने कार्य धंधे में निस्वार्थ होकर लगे रहे, एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहे, मन को भटकने ना दे, क्योंकि केतु मन को भी भटकाए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको फिर से उदाहरण दे रहा हूं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी केतु के दशा में ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनके केतु कहां बैठा है, लेकिन केतु के दशा में उनको दो दो बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो केतु हमेशा सबको नुकसान नहीं देता, गृहस्थ जीवन से दूर करता है और उन लोगों को अच्छा, मतलब जैसे जो धर्म कर्म से जुड़े हैं, संन्यास ले रखे हैं, संत महात्मा हैं, कथावाचक हैं, पंडित हैं, ज्योतिष हैं, उन लोगों को कई बार लाभ देता है, लेकिन जो हकीकत में निस्वार्थ भाव से देवी देवताओं पर, भगवान पर अच्छे कर्म करते रहे, उन पर विश्वास करें, उनकी सेवा करें, अब योगी जी ने अच्छा सेवा किया, वो संत हैं तो उनको लाभ मिला। और ज्यादातर सामाजिक बंधनों में जो व्यक्ति बंधे होते हैं वो केतु की दशा में क्या है कि आपकी सोच कभी तो किसी दशा में लेके चला जाएगा, कभी कहीं, मतलब भटकाएगा बहुत, एक दिमाग टिकने नहीं देगा, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, और फिर कभी कभी बहुत अकेलापन कर देगा। तो केतु ऐसे कई प्रकार के नुकसान आपको देता है, दांपत्य जीवन में भी कई बार क्या होता है कि केतु द्वादश में रहता है तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है, बहुत इच्छा होती है सब कुछ की, अपोजिट जेंडर के की ही इच्छा नहीं बल्कि उनके साथ जो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति शारीरिक संबंध बना सबकी इच्छा होती है, लेकिन कई बार इच्छा पूर्ति में बाधा होता है, क्योंकि बारहवां भाव बिस्तर सुख का भी भाव है, तो अगर अशुभ होगा तो आपकी सेक्स की जो डिजायर है, सेक्स की जो एक इच्छा है, उसकी पूर्ति होने में बाधा उत्पन्न करेगा, या तो दोनों पति पत्नी के संबंधों में दूरी में बनाए, या पति पत्नी के में विवाद उत्पन्न करते, अलगाववाद करते, या शादी होने में समस्या करे, या आपको कोई शारीरिक कमजोरी दे दे, यानी जो आपकी जो सेक्स की डिजायर है उसको पूरा होने में भी कमी लाएगा। इन सब का एक हल तो आप समझें कि यदि द्वादश के केतु से बचना चाहते हैं, द्वादश का केतु आपके लिए एक प्रकार से कई मामलों में ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है, लेकिन उसको पहचानने की जरूरत है, आप दो कार्य अवश्य करें। सबसे पहला कार्य कि यदि द्वादश में केतु है तो केतु का बीज मंत्र जरूर जाप करें, और घर में कुत्ते अगर नहीं पालते हैं तो कुत्ते को कुछ दूध खिला दिए, रोटी खिला दिए, भोजन करवा दिए, ये सब करवा दिया करें, गरीब को दान पुण्य करें, भगवान श्री गणेश की पूजन करें, इसके अलावा ईश्वरीय शक्ति में कुछ योग, कुछ ध्यान, कुछ मेडिटेशन, पूजा पाठ में अगर ध्यान लगाए, मतलब डेली कुछ ना कुछ पूजा पाठ के लिए समय लगाना है आपको, पूजा पाठ ध्यान योग इन सब में समय लगाना है, और अपने कर्म जो एक्चुअल कर्म, एक तो धर्म वाला कर्म, एक दूसरा जो जीवन जीने के लिए कर्म करना है, उसमें भी यदि आप करते हैं तो केतु की दशा में आप भौतिक सुख सुविधाओं को भी प्राप्त करेंगे, और धर्म के मार्ग पर यदि चलते रहेंगे तो मोक्ष को प्राप्त करने में भी केतु सहायक सिद्ध होगा, यानी केतु तब डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि केतु आपके मन को भटका देता है, केतु की दशा में या तो आपको पूजा पाठ में बहुत ज्यादा अच्छा मन लगे, कभी कभी बहुत पूजा पाठ करेंगे, कभी कभी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मन भटकाए, क्योंकि पता है ना केतु की दशा चल रही है, अगर अच्छा पूजा पाठ कर लिए तो आपको तो अच्छा लाभ मिलेगा,
समझे बात को, केतु की दशा में या केतु द्वादश में है आप अच्छा पूजा पाठ करते हैं, अच्छा कोई पाप का कर्म नहीं करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, गरीब व्यक्तियों को दान करते हैं, गरीब व्यक्तियों को जो सहायता हो सके, मजबूर व्यक्तियों को उनको मदद करते हैं, धर्म के मार्ग पे सत्य के मार्ग पे चलते हैं और ईश्वर की भक्ति में भी लीन रहते हैं और साथ में अपना जो दायित्व है अगर वो भी पूरा करते हैं तो आपको हर प्रकार के सुख सुविधाओं से लीन और प्लस परमात्मा के श्री चरणों में विलीन भी करवा देगा। लेकिन आप ध्यान लगा पाएंगे तब, अगर ध्यान लगा दिए तो केतु आपके लिए वो कर देगा जो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, बाकी सारे ग्रह मिलके नहीं कर पाएंगे, वो कर देगा अकेला केतु द्वादश में बैठकर। फिर से समझे, भक्ति मार्ग नहीं छोड़ना, जितना भी तकलीफ हो रास्ते दस नहीं बदलने। एक और बात, द्वादश में यदि केतु हो तो बिजनेस करने तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिजनेस करें अपवाद में अलग बात है, नहीं तो अगर नौकरी करते हैं तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो नुकसान दे सकता है व्यापार में। हाँ, किसी का खानदानी बिजनेस चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोई सोच रहा है मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी छोड़ के अगर बिजनेस करना चाहता हूं तो निस्संदेह ज्यादातर मामलों में आप धोखा खा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अचानक से कई बार करीबी निकट रिश्तेदार से भी अचानक धोखा मिल सकता है, लेकिन केतु शुभ हो तो अचानक से धन लाभ भी करवा देता है। तो दर्शकों, केतु का लगभग सीरीज पूरा हो चुका, आपको और किस किस विषय में वीडियो चाहिए आप वो भी जरूर बताना, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हो या यूट्यूब में। आपके मन में कोई सवाल हो तो YouTube पे 8 बजे कुंडली दर्शन चैनल पे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, उसमें आप अपना एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, 8 बजे रात में डेली आते हैं। प्लस अगर संपूर्ण विश्लेषण कराना हो अपने कुंडली का, या कोई रेमेडी करवाना हो, कोई दोष, कोई किसी प्रकार की ज्योतिष संबंधी समस्या से चाहते हैं समाधान, तो आप सामने जो नंबर्स दिख रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, बाद में आपको प्रोसेस बताया जाएगा, पूरी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।